यहाँ मिराकल्स होते जरूर होते. अभिषेक वॉज अ मिराकल, डोंट यू थिंक सो? डोंट यू थिंक सो? जो आज अभिषेक है वो कल जाके राहुल और प्रतीक है. अभिषेक कभी राहुल और प्रतीक थे तो यहाँ मिराकल जरूर होंगे. लेकिन और एक बात होती जो यहाँ बहुत देर से कही जा रही है, ब्योरी सिंह में ट्रेनिंग एक जंग की तरह होता है. जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग में पसीना ज्यादा बहाओगे तो जंग में खून कम बहता है. और ये बात मैं आपको प्रूव कर सकता हूं. इसके लिए मुझे 10 वॉलंटियर्स लगेंगे कि सही मायने में ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, क्यों माँ बाप परेशान होते हैं बच्चों को ओडिसी में डालने के बाद. हाँ वो होते हैं परेशान क्योंकि दिन भर ओडिसी ओडिसी ओडिसी, कुछ नहीं कुछ सोचता नहीं उनको. पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई करके कॉलेज जाते हैं, बाद में ओडिसी. सुबह सुबह घर से निकले के रात को 12 बजे घर पे आते हैं. मेरी मम्मी भी बहुत चिल्लाती है उनको. मैं जब अमरावती आता हूँ तो सिर्फ सुबह उठने के बाद दिखता हूँ, रात को सोते समय दिखता हूँ. क्योंकि ओडिसी में बहुत ट्रेनिंग है, बहुत ट्रेनिंग है. लेकिन सही मायने में सही तरीके से ट्रेनिंग जरूरी है. मुझे 10 वॉलंटियर्स चाहिए फास्ट. 10 लोग, कोई भी 10 लोग, जो भी पहले आएगा उसको एक चॉकलेट मिलेगा फास्ट. ये साइड से, दैट्स गुड. कम ऑन बॉयज, फर्स्ट इज अ लेडी. बॉयज आर स्लीपिंग और व्हाट? कम फास्ट फास्ट. यू कैन जॉइन, ऑल बॉयज कैन जॉइन. 10 10, फर्स्ट 10. मैम हियर प्लीज. थैंक यू. फर्स्ट 10. हमारा देश पुरुष प्रधान देश है ना. कितने लोग हैं यहाँ पे और कितनी लड़कियां हैं? कोई लड़की आ सकती है जल्दी फास्ट? लड़कियां ऑल्सो मीन लेडीज बिकॉज भाभी. अरे दैट्स ग्रेट, हैव अ बिग क्लैप ऑफ भाभी. भाभी जल्दी से आ जाइए, जल्दी से. ये साइड है, हाँ ये साइड. और एक एक रूम और सामने एक रूम है, एक रूम है. चलो हम एक गेम खेलेंगे, ठीक है? सब लोग इस तरफ देखेंगे, सब लोग ऑल देखिए इस तरफ पूरा मुड़ के, मेरे मैं जैसा खड़ा हूं वैसे, ठीक है? और जब तक पीछे वाला आपको बुलाता नहीं है आपको पीछे मुड़ना नहीं है, ठीक है? दैट्स अ रूल. शैल वी स्टार्ट नाउ? मैजिक.
बस एक ही आप लोग सब एक एक से मिस कर गए बस एक टर्न अराउंड Are you enjoying? हालांकि स्टोरी में बड़ी होती है स्टोरी मजा किस स्टोरी में सर सर यहाँ ही सर प्लीज सर आपका नाम प्रवीण विधाते सर आपको लेडी चौक करके बताएं वो ऑडियंस को करके बताएंगे सर आप देखना चाहेंगे मैंने क्या बताया था भाभी कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट अच्छा ओके आई विल डू इट अगेन ओरिजिनल एक्टर So what's the lesson you got? Do I need to mention something? That's what's happening. And that is why ODC is required. Please have a big round of applause if you enjoyed. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Friends, आगे बढ़ते हैं. तेरे वादों से जिंदगी अब हम और कितना धोखा खाएं तेरे वादों से जिंदगी अब हम और कितना धोखा खाएं कर कोई ऐसा वादा जो मेरा दिल टूट जाए रिसेशन के ऊपर मार्मिक वैन कस्ती एक नाटिका आपके सामने पेश है नाम एक दिन अचानक
लेकिन तुझे तो पता था ना मैं पिंक लाइन से आ रहा, फिर 4 बजे आने की जरूरत क्या थी? वैसे ही मेरे पास लगेज को इसलिए बुलाया तुझे कॉल कर। अरे चल ठीक ही हुआ ना यार, बहुत गया ना आराम से, चलो भी चलते हैं घर, पहले थोड़ा दम ले। अबे सचा तू तो मैंने सिगरेट नहीं पीता था, फिर अचानक बड़ी कंपनी में कलिक को कंपनी देनी पड़ती है। अबे ये साफ सफाई क्यों चल रही है? रास्ते भी क्लीन और घंटे भी बुझाए गए, कोई आ रहा है क्या? तू आ गया ना, तेरे लिए सब रास्ते लाइट डिवाइडर सब छका छका, तेरे लिए तो फ्लायर बना के रखे। नहीं बोलने का मतलब पुणे वाला पता नहीं कौन होना कि भलते गांव में आ गया हूं। अबे छोड़ बता ना कौन आ रहा। अरे अमरावती के लोग दिल्ली में बैठे, वहां से ऑर्डर निकलता तो इधर सब चका चौक जाता है, वही लोग आ रहे हैं। चलो इसी बार के कुछ तो बदल रहे हैं अमरावती, वरना वही पुराने गड्ढे और वही पुरानी मेंटेलिटी। हम लोग भी ना यार जमाने के साथ साथ चलना सीखते ही नहीं। और बता कौन कौन बचा अपनी गैंग में अमरावती में? पहला तो मैं, दूसरा मंगिया, तीसरा चौक पे का पक गया। तूने भी इंजीनियरिंग कर लेना था यार, अब तक 20,000 महीने के तू भी छाप लेता था। नहीं तो एक काम कर, कोई कंप्यूटर कोर्स कर ले और लेकर आता हूँ बाहर। अरे छोड़ यार, अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुमको बस स्टॉप रिसीव करने कौन आएगा? मैं मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। काहे को मैं जंग खा रहा, पूना में यार 10 जॉब मिलेंगे तुझे। अरे छोड़ यार, यही सोच सोच कर तो पूरा आंवला दिखा लियो। मैं सब उधर कोथरूड में अमरावती को ढूंढ रहे हैं और ये अमरावती वाले को ही देखने के लिए तरस रहे हैं। ये सब छोड़ यार, अभी चलते हैं, शाम में मिलते हैं। सावधान का बुरा है नहीं, अगर पंगा किस लिया तो उसने अमेरिका से, पर उसको कुछ मिला? जैविक हथियार वगैरह काय का बे, फुकटत जाएंगे सद्दाम की। अबे मनमानी पैसा आ रहे अमेरिका के पास में, कोई अमेरिका को एक उंगली बता दे ना, अमेरिका उसको 11 उंगली बता दी। कितना 11 उंगली? सुन ले रे सुधा, क्या बोल रहा है पंकज? तू बहुत बोलता है, मैं तो भला बुरा, किसी दिन तेरे को लेके जाएंगे फिर टीवी पे दिखेगा तू लटके हुआ। क्यों रे, अमरावती से अमेरिका कितने किलोमीटर होंगे? पैदल जाता हुआ क्यों उड़के? नहीं बोलेंगे तो पैदल गया तो मोर्ची मार के फाटे फाटे से भी पहुंच जाएंगे। तेरे ये सिगरेट के डब्बे लेके जाना अमेरिका, वहां नहीं मिलेंगे देखो। अरे बाप रे सच्चा गवाह रे, काम दिख रहा है रे भाई, आम का वाला के मुना की नहीं रे यार। बच्चे तेरे को रात को बोल बंदे को बोल, नहीं डर रे रात को भी मार सकते हैं, दिखता तेरे का ना होगा तो एक्स्ट्रा में क्या बात है सच्चा। फास्ट ट्रैक का वगैरह बेबे की टीशर्ट लेवाइस की जी वुडलैंड के जूते ब्रांडेड बाबू, स्टेटस मेंटेन करने के लिए ब्रांडेड रहना पड़ता है यार। जबरदस्त है एकदम, फिर भी हमारा सर्विस करता हूँ मन तो, वो तो है, फिर वहाँ घूमने फिरने को बहुत है, पैसा फेंका ना तो एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट। चलो यार मैं निकलता हूँ, काफी देर हो चुकी है। तो क्यों यार, क्या काम है? रुक जा तो थोड़ी देर। नहीं यार सिस्टर के एडमिशन का काम है। अरे हाँ तेरी सिस्टर तो 12th में थी, क्या हुआ रिजल्ट का और क्या सोचा है आगे? हाँ यार उसे 12th में 70% मिले और गया है, और 200 नागपुर में कोटा करने के बावजूद उसका एंट्रेंस का स्कोर काफी लो है, इसलिए घर वालों ने सोचा है उसे पेमेंट सीट पे IT इंजीनियरिंग को एडमिशन दिला दे। लेकिन ये तो घर वालों का सोचा, और उसका क्या कहना है? पता नहीं यार, उसे शायद आर्ट्स या कॉमर्स, वो आ गई तो उसे क्यों नहीं पूछ लेते? नविता कहाँ से आ रही हो? वो नेट पे कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन लेने गई थी। और सचिन भैया काफी ट्रेंडी लग रहे हो, कैसे हो? बढ़िया, और सुना है तुम इंजीनियरिंग करना चाह रही हो? कहाँ से? यस मैं IT
भी पूना से। इंजीनियरिंग ही क्यों और वो भी पूना से ही क्यों, ऐसा गया पूना में? फनी क्वेश्चन भैया, इंजीनियरिंग ही क्यों? भैया बीएससी बीकॉम या फिर बीए करके आगे कोई स्कोप नहीं, और ये सब इस डाउन मार्केट शहर में करके मैं अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं कर सकती। नो वे, पुणे की तो बात ही कुछ और है, वहाँ पर आईटी सेक्टर में काफ़ी धूम है। एक बार वहाँ पे एडमिशन हो जाए तो कैंपस और प्लेसमेंट का तो कोई टेंशन ही नहीं, और क्या पता आगे जाके अच्छी नौकरी पे अच्छा पैकेज भी मिल जाएगा। इसीलिए सचिन भैया की जैसे इंजीनियर बनना और पुणे में मस्त पैकेज में काम करना। एंड एनी वेज इन टुडेज़ ट्रेंड यार, आई एम टोटली फिक्स्ड ऑन माय पुणे डिस्ट्रिक्ट। लेकिन आदमी की जिंदगी में पैसे के अलावा भी बहुत सारी जरूरतें होती हैं, जैसे शैक्षणिक।